साथियों, आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट बाय सॉन्सर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आपके लिए कुछ विशेष अलग लेके आया हूँ। आज है हमारा 10वीं परिणाम को किस प्रकार से देखना है। 10वीं परिणाम को सबसे पहले अपनी मोबाइल पर किस प्रकार से मैसेज के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त करना है। इसके साथ साथ इस छोटे से वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से यदि आप परिणाम को रीटॉटलिंग करवा सकते हैं। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो साथियों, सबसे पहले चलते हैं अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप अपने परिणाम को देख सकते हैं। आप ओपन करिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट और उसके बाद रिजल्ट 2020 करिए। उसके बाद दूसरा तरीका है साथियों, मैं आपको सबसे पहले बता दूसरा तरीका है आप indiaresult.com की साइट पर जा सकते हैं। साथ ही ये अपन अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपने लैपटॉप के पर या कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं। आप indiaresult.com साइट डाउनलोड करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए सभी राज्य दिए गए हैं। आपको यहाँ पर राजस्थान को सेलेक्ट करना है। साथियों, ये आपको राजस्थान को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके वर्तमान में जितने भी जो रिजल्ट आ रहे हैं उनकी अपडेशन आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। साथियों, यहाँ पर क्या करना है, जैसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, उसके अलावा सेंट्रल बोर्ड, तो आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पर सेलेक्ट करना है। आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के प्रकार इस प्रकार से आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। साथियों, आप अपने इस प्रकार की विंडो उपलब्ध हो जाएगी। आप अपने 10वीं का बोर्ड परिणाम यहाँ से जान सकते हैं। यहाँ 10वीं पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही परिणाम घोषित होगा तो यहाँ 10वीं का परिणाम जिस प्रकार से ये भी वर्तमान में लिखा हुआ है, रिजल्ट ऑफ सीनियर सेकेंडरी आर्ट्स स्टूडेंट नाउ अवेलेबल, उसी प्रकार से लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ कि आप सबसे पहले परिणाम घोषित होते ही सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कैसे प्राप्त होगा। तो साथियों, जैसे आप अपनी इस indiaresult.com की जो साइट्स हैं उस पर यदि रोल नंबर यहाँ पर लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे, ईमेल आईडी लिख देंगे और उसके बाद गो पर सबमिट कर देंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है रोल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा तो आपको मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से सबसे पहले रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरा माध्यम है। तो साथियों, बहुत ही संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूँ। आगे चलते हैं, यदि आप रीटॉटलिंग किस प्रकार से करा सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। साथियों, मैं बता देता हूँ कि आप यदि अपने परिणाम से थोड़े से वो संतुष्ट नहीं है या अपने रीटॉटलिंग करवाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ जिस पर आप किस प्रकार से क्या प्रोसेस है रीटॉटलिंग के लिए, उस प्रोसेस को आप देख सकते हो और आराम से आप घर बैठे ही भी इसको ऑनलाइन कर सकते हो। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाना है। कहाँ जाना है, मेरे जो यूट्यूब चैनल है जो आप देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हैं उसकी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाना है। जैसे ही यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपके सामने बहुत सारे हमारे फोल्डर ओपन हो जाएंगे। साथियों, देखिए यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर ओपन हो जाएंगे और इस फोल्डर में आपको क्या करना है, यहाँ आरबीएससी अपडेट फोल्डर को ओपन करना है। आरबीएससी अपडेट फोल्डर को ओपन करोगे तो यहाँ तमाम जो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए आवेदन कैसे करें। माध्यमिक नमस्कार साथियों, मैं सोन चौधरी, कैसे आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट। आपको यहाँ पर देखिए इस वीडियो को चलना शुरू हो जाएगा और आप यहां पर जो वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो पर आप क्लिक कर लीजिए और तमाम जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये दोनों ही वीडियो हैं जो आप रीटॉटलिंग के लिए आवेदन के लिए तमाम जानकारी दी गई है। साथियों, इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत अधिक जानकारी दी है। यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और यदि आप बहुत अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले वीडियो और भी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। धन्यवाद।